ये हमारे माशरे की औरतें हैं जो औरत को पसंद नहीं करती। हमारे मर्द नहीं कहते कि हमें औरत नहीं चाहिए, बच्ची नहीं, बेटी नहीं चाहिए। हमारी इस माशरे में जो औरतें होती हैं, सास होती है, नंद होती है, वो कहते बेटी हो गई, बेटी हो गई। उन्हें ऑब्जेक्शन होता है, माँ बाप दोनों एक्सेप्ट कर लेते हैं, माशरा कबूल नहीं करने देता बेटी को। अगर बेटी ना होएगी तो कायनात माँ नहीं होएगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपका मेज़बान बिलाल इसहाक आपकी खिदमत में हाज़िर है और आप देख रहे हैं अलहर मीडिया। नाज़रीन, आज हम सवाल करेंगे लोगों से इस मामले के बारे में कि चंद दिन पहले आपने खबर देखी है सोशल मीडिया के ऊपर, बड़ी आम थी कि एक दरिंदे बाप ने अपनी मासूम 7 दिन की बच्ची को जो है फैर लगा कर कत्ल कर दिया। तो आइए लोगों से उनके इजहार पूछते हैं, राय पूछते हैं कि वो ऐसे दरिंदे बाप के हवाले से क्या वो राय रखते हैं। मैं ना फैसले इकबाल चट्टा। सर क्या करते हैं? मैं हुजरीदा काम करता हूँ। सर तलीम कितनी है? मैट्रिक। मैट्रिक। तो सर जैसा कि आपको भी मालूम है, सोशल मीडिया के ऊपर बहुत ही वायरल हुई वो बात कि वो छोटी सी मासूम कली जो अभी खिली भी नहीं थी और दरिंदे बाप ने उसको फैर लगाकर कत्ल कर दिया। आपकी भी माशाल्लाह बेटियां हैं, एक बेटी नहीं दो दो बेटियाँ आपके साथ मौजूद हैं, तो क्या समझते हैं, क्या आप इजहार करते हैं ऐसे दरिंदे बाप के वाले? वो उसको कड़ी से ज़्यादा सजा देनी चाहिए, लेकिन ये तो अल्लाह की रहमत होती है। बाज़ लोग बेटियों को ना बुरा समझते हैं कि जहमत समझते हैं, लेकिन मैं तो मुझे अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह पाक ने मुझे 2 बेटियां दी है, मैं इस पर बहुत नाज करता हूँ। लेकिन बेटी सबसे ज़्यादा, बेटे से ज़्यादा बेटी सास करती है बाप का। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर आपका नाम? मोहम्मद फयाज। फयाज साहब, आपने देखा होगा कि चंद दिन पहले एक वाकया जो है सोशल मीडिया के ऊपर बहुत गर्म रहा कि वो छोटी सी बच्ची जो है 7 दिन की बच्ची थी, उसको दरिंदे बाप ने फायर लगाए और उसको कत्ल कर दिया है। क्या इजहार रखते हैं आप ऐसे दरिंदे बाप के बारे में? तौबा अस्तगफार जी, बहुत बुरी गल है, अल्लाह पाक माफ़ करे। जो हालत है बहुत ही गुमराही वाले पास लोग जा रहे हैं। अल्लाह की ज़ात उम्मीद रखनी चाहिए है, बेटियाँ अल्लाह पाक की रहमत है। मेरी अपनी 3 बेटियाँ अल्लाह पाक ने बहुत कुछ अता फरमाया अलहमदुल्ला। बेटियाँ तो मायूस नहीं होना चाहिए, अगर बेटी ना होएगी तो कायनात माँ नहीं होएगी। तो बेटी नहीं होएगी तो कायनात के ऊपर माँ नहीं होगी, माँ नहीं होगी तो माँ ना ही पूरी कायनात आ। अज की बेटी कल की माँ वा, अल्लाह पाक सब नू हदायत अता फरमाए, अल्लाह पाक सब तेरा। सर देखा है कि आपने कैसा पैगाम है कि आज की बेटी जो है वो कल की माँ होगी, तो बेटियों से प्यार कीजिए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मैम आपका नाम? शुमाइला आतिफ। तो हम आपसे बात करेंगे कि चंद रोज़ कबल एक खबर जो है सोशल मीडिया पे बड़ी आम थी, मियाँ वाली का वो शख्स है, शख्स तो कहना ही नहीं बनता, दरिंदा था, जिसने अपनी मासूम 7 साल कली को है फायर लगा के कत्ल कर दिया। तो माशाल्लाह आपके पास भी 3-3 बेटियाँ हैं, तो आप कैसी राय रखती हैं ऐसे दरिंदे बाप के वाले से और कितनी मोहब्बत रखती हैं बेटियों के वाले? अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने दी है, अल्लाह ताला की नेमत है, लोग बच्चों के लिए तरसते हैं, शुक्र अल्लाह पाक अल्लाह ने दी है। वो दरिंदा है तो उस इंसान से दरिंदा बनाने के लिए हमारी सोसाइटी ने रोल प्ले किया है, उसके वालदैन ने, वहाँ उसके घर में उसका इस तरह का माहौल होगा कि वो इस हद तक गया, वरना कोई भी इंसान है पैदाइश के वक्त वो बिल्कुल न्यूट्रल होता है, उसमें इतनी किसी भी जिन्स के खिलाफ नफरत नहीं होती। ये हमारे माशरे की औरतें ही हैं जो औरत को पसंद नहीं करती। हमारे मर्द नहीं कहते कि हमें औरत नहीं चाहिए, बच्ची नहीं, बेटी नहीं चाहिए। हमारी इस माशरे में जो औरतें होती हैं, सास होती है, नंद होती है, वो कहते बेटी हो गई, बेटी हो गई। उन्हें ऑब्जेक्शन होता है, माँ बाप दोनों एक्सेप्ट कर लेते हैं, माशरा कबूल नहीं करने देता बेटी को। बाद में ऐसे लोगों के लिए क्या पैगाम देखें जो बेटी को नापसंद करते? हमने पैगाम उन्हें क्या देना है कि अल्लाह ताला की रहमत है, जिस घर में बेटियां होती हैं अल्लाह ताला रहमत से अपने उसके रिज़्क भी देता है, हर चीज़ आता है, उसके घर की परेशानियां दूर हो जाती हैं, सबसे बड़ी बात है। और अल्लाह ताला ने बेटियां दी तो इसकी नसीब भी उसने देने हैं, और इन्हीं के साथ हमारे घर में रोना है कि बहारे हैं, शुक्र है अल्लाह का। शुक्रिया जी।